हेलो क्लास इलेवेंथ। क्लास इलेवेंथ, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल के बारे में हम लोगों ने बात किया था। आई मेक यू क्लियर कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल क्या होती है। वी हैव डिस्कस अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट, वी हैव डिस्कस अबाउट द डॉट प्रोडक्ट। ओके, हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया, हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया, एंड सो मेनी अदर थिंग्स विच वी हैव डिस्कस। And the notes were provided to you. Notes regularly I am giving you. I know that you are copying them, but you are requesting me that sir don't give homework. Okay, it's okay. I am not giving you homework, but a few numericals which you have to practice. So numericals, तो बेटा मैं दूंगा ही आपको. Okay, numericals, because from this mechanical part only the numericals will be asked. ओके, वो नहीं पूछेगा कि ट्राइंगल्स लॉ क्या है, वेक्टर एडिशन का, सबट्रैक्शन का। ही विल नॉट आस्क यू दीज थिंग्स, ही विल गिव्स यू अ सिंपल न्यूमेरिकल ऑन दीज टॉपिक्स। तो मैकेनिकल फिजिक्स से आपको न्यूमेरिकल ही मिलेगा। सो दैट वी हैव टू डू। आज भी एक आई एम हियर विद वन न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल है, वेक्टर का ही है, लेकिन इसको पूछा उसने ऐसे है कि यू विल नॉट नो कि ये वेक्टर से ही क्वेश्चन है। So, I am reading the question for you all. In the question, he is saying you a river 800 meters. So, what we have to do? We have to draw the diagram by the language of the question. Question ki language ko dekho and try to draw the diagram. So, river hai ek. The width of the river is how much? It is 800 meters. This is given to us. And the next he is saying you a swimmer who can swim at 10 kilometer per hour, जो 10 kilometer per hour की स्पीड से स्विम कर सकता है in still water. In still water means के जो उसकी स्पीड है, जो स्विमर है उसकी जो स्पीड है कितनी है, it is 10 kilometer per hour. ओके, इतनी उसकी स्पीड है। एंड द सेकंड थिंग, द इन स्टिल वाटर विशेस टू क्रॉस द रिवर स्टेट। और जो ये रिवर है बेटा, ये भी फ्लो कर रही है किसी सर्टन स्पीड से। रिवर की स्पीड कितनी है? फाइव किलोमीटर पर आवर। So these things are given to us. Let me explain the question once again. This is the river. Suppose ये river है आपकी. Okay, this is the river. इसकी width कितनी है? It is 800 meter. 800 meter is the width of this river. एक swimmer है जो 10 kilometer per hour की speed से swim कर सकता है in still water, means के उसकी स्पीड कितनी है, स्विमर की स्पीड कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और जो रिवर है उसकी स्पीड कितनी है, इट इज 5 किलोमीटर पर आवर। वो इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है। ओके, रिवर को उसने क्रॉस करना है। तो क्रॉस करना है तो ही इज आस्किंग अस थ्री थिंग्स। पहली चीज उसने पूछी है, अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक, अलोंग व्हिच डायरेक्शन ही मस्ट स्ट्राइक, मीन्स के वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट करे कि वो इस रिवर को क्रॉस कर ले। अब देखिए, सपोज रिवर की जो डायरेक्शन है, से इट इज लाइक दिस, रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस, ऑब्वियसली विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर रिवर फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में। स्विमर ने यहां से स्टार्ट किया एंड यहां से स्टार्ट किया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से या इस वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पे उसने मूव करना स्टार्ट किया। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थीटा इन फर्स्ट पार्ट। इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने फर्स्ट पार्ट में। सो वेक्टर का क्वेश्चन बन गया है। दीज आर द टू वैक्टर्स, दोनों वैक्टर्स हैं, ये इनका रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट भी हम लोगों को निकालना है सेकेंड पार्ट में। He is asking you what should be the resultant velocity. तो resultant कैसे निकलता है वो आपको पता है,
एंड देन हाउ मच टाइम ही वुड टेक, कितना टाइम उसको लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, ये निकालना है। तीन चीजें हमें निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में थीटा निकालना है, सेकंड पार्ट में आपने वेलोसिटी निकालनी है, थर्ड पार्ट में आपने क्या निकालना है, थर्ड पार्ट में यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम कि टाइम उसको कितना लगा। नाउ लेट अस कम टू द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो बड़ा इजी है। सो वी आर हैविंग दिस, ये 800 है मेरा एंड इट इज ऑल्सो गिवन टू अस। इट इज हाउ मच, इट इज जो स्पीड है उसकी कितनी है वो, इट इज 10 किलोमीटर पर आवर है, और ये कितना है, इट इज 5 किलोमीटर पर आवर। ये सब कुछ हमें गिवन है। सो मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, आई एम टेकिंग व्हाट, आई एम टेकिंग दिस साइन थीटा। सो साइन थीटा हम लोग ले लेंगे, यूनिट्स कंसिडर नहीं होंगे इसके इस टाइम। साइन थीटा इज हाउ मच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर इज हाउ मच, इट इज 5, हाइपोटेन्यूज इज हाउ मच, इट इज 10। ये कट गया, सो वी गेट 1/10 एंड वी नो कि दैट 1/2 इज द वैल्यू ऑफ साइन 30। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। सो इस एंगल पे वो उसको मूव करना है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी का रिजल्टेंट कैसे निकलता है, द मॉड ऑफ दिस एंड दिस। ओके, तो मॉड निकालना है इसका। सो दैट मीन्स 10 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर वी कैन से। ओके, 10 का स्क्वायर, वाई वी आर डूइंग दिस, 10 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि रिजल्टेंट तो ये आएगा ना, ऐसे करके रिजल्टेंट वेलोसिटी तो ये होगी उसकी। ओके, सो 10 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, सो वी इक्वल टू हाउ मच, 10 का स्क्वायर इज 100 -25, सो वी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी √75। अब व्हाट अबाउट द यूनिट, ओके व्हाट अबाउट द यूनिट, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं पहले। इसकी वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ दिस मच किलोमीटर पर आवर, एंड लीव इट लाइक दिस, ऐसे ही इसको छोड़ दो। ओके, वी कैन लीव इट लाइक दिस ऑल्सो, ऐसे ही इसको छोड़ सकते हैं हम। उसके बाद पूछ रहा है टाइम। अब टाइम निकालने के लिए वी आर हैविंग द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, एंड वेलोसिटी उसकी कितनी है। तो वेलोसिटी उसकी कितनी आई है, √75 आई है। एंड व्हाट अबाउट द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया वो हमें निकालना पड़ेगा। सो फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस व्हाट वी हैव टू डू, डिस्टेंस तो इतना ही ट्रेवल करेगा क्योंकि स्ट्रेट वो बोल रहा है कि स्ट्रेट ट्रेवल, उसको स्ट्रेट उसने क्रॉस किया। डिस्टेंस कितना है, ये है, डिस्टेंस इज दिस मच। ओके, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज दिस मच। सो इट मीन्स ये कितना है, 800 है, इट इज 800। सो 800 है तो इट मीन्स 800 का मतलब क्या हो गया, इसको आप किलोमीटर में चेंज करेंगे बिकॉज वेलोसिटी इज इन किलोमीटर पर आवर। सो टाइम विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस मीन्स 0.8 अपॉन √75। सो 0.8, और इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे वी आर 5√3 एंड 0.8, 5√3 की वैल्यू 1.73 या 1.74 ले लो। सो ऑन कैलकुलेटिंग दिस यू विल गेट हाउ मच, 5.54 सेकेंड्स। ओके, सो दिस इज योर आंसर। दिस सेकेंड्स भी नहीं आएगा दिस मच, क्योंकि ये सब कुछ किसमें है, किलोमीटर में है, तो दिस मच आवर्स। इसको बाद में हम लोग चेंज कर लेंगे सेकेंड्स में या मिनट्स में, जिसमें भी चेंज करना है यू कैन चेंज इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो इतना आपका, ये आपका आंसर आएगा। ओके, सो या इसको आप नहीं मत करो, इसको यू कैन मल्टीप्लाई करो, इसको फ्रैक्शन में छोड़ दो, दिस मच आवर्स वी कैन सी, ऐसे भी हम लोग छोड़ सकते हैं। सो दिस इज द स्मॉल क्वेश्चन, बड़ा स्मॉल सा क्वेश्चन है वेक्टर का, इस टाइप के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। सो डेली मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, तो दैट यू कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज कैसे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर्स में न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा है। कुछ अभी वेक्टर्स के भी क्वेश्चंस करने हैं, सम क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू वो भी करने हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स ये भी करने हैं। ओके, सो सी द नेक्स्ट वीडियो टुमारो विद न्यू न्यूमेरिकल्स। इसमें टाइम लगेगा बेटा वेक्टर्स में, नाउ आई एम गोइंग वेरी स्लोली, सो डोंट ब्लेम मी कि सर इज गोइंग वेरी फास्ट। सो टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।